बड़ी हार है, बड़ा झटका है, लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत है, क्योंकि जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस तरह से ज्वाइनिंग कराया जा रहा है पार्टी को, उस मिशन में बीजेपी नजर आ रही है। और ये देखिए नरोत्तम मिश्रा, कैसे कांग्रेस टूट रही है इसके आप लोग साक्षी है। मैं निवेदन करूंगा अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, कि वो अंग वस्त्र पहनाकर माननीय पचौरी जी का स्वागत करें। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अंग वस्त्र पहनाकर कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन करूंगा। और ये देखिए सुरेश पचौरी भी आखिरकार बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई, मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद, और ये देखिए कैलाश विजयवर्गीय उन्हें गमछा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। धार के पूर्व सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भी पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं सुरेश पचौरी के बाद। ये देख सकते हैं तस्वीरें, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जो कि पूर्व सांसद रहे हैं धार से, ये भी वरिष्ठ लीडर कांग्रेस पार्टी के जो कि आप बीजेपी के हो चुके हैं, ये अंगवस्त्र पहनाते हुए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अब ये देखिए संजय शुक्ला, इंदौर में ये बड़ा झटका, मालवा निमाड़ में ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, लेकिन ये बीजेपी के लिए बड़ी सफलता। संजय शुक्ला भी अब बीजेपी के हो चुके हैं, बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया, बीजेपी की सदस्यता ले ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देते थे प्रशासन, और आप देखिए मुस्कुराते हुए पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, यहाँ पर सभी चेहरे अपने आप में कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को खुली चुनौती भी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली ही लिस्ट अभी कांग्रेस की सामने आई है। और देखिए यहाँ पर बीजेपी को किस तरह से ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, वीडी शर्मा को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप देख रहे हैं, पूर्व सीएम को आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें अंग वस्त्र पहनाते हुए आखिरकार पार्टी को ज्वाइन कर लिया है दिग्गजों ने। तो बड़ा झटका आज कांग्रेस के लिए, लेकिन बड़ी सफलता यहाँ पर बीजेपी के लिए भी मानी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, आप देखिए किस तरह से दोनों ही जोड़ा नजर आ रहा है, और संजय शुक्ला, सुरेश पचौरी, यहाँ पर गजेंद्र सिंह, बड़े नाम जो कि अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी से जिनकी पहचान थी उनके चेहरे पर बात की जाती थी, लेकिन आप देखिए यहाँ पर पता जो है वो बदल चुका है, लोकसभा चुनाव से पहले अपना एड्रेस, अपना पता यहाँ पर प्रशंसा बदल लिया है दिग्गजों ने। हमारे भोपाल के अपन सबके चिरपरिचित भोपाल कांग्रेस के जिले के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कैलाश मिश्रा जी, तो भोपाल से ये कैलाश मिश्रा देखिए किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाते थे, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, और आप देखिए मुस्कुराते हुए पार्टी को ज्वाइन कर लिया है यहाँ पर अंगवस्त्र पहनाते हुए कैलाश मिश्रा, जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम हुआ करते थे, लेकिन अब केवल हुआ करते थे, अब वो पार्टी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ये देखिए सतपाल को भी आप देख रहे हैं किस तरह से, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद उन्हें यहाँ पर अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। सतपाल पलिया भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, सदस्यता उन्होंने ली है, नर्मदापुरम का ये बड़ा चेहरा, और नर्मदापुरम से भी ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, तो बीजेपी के लिए बड़ी सफलता, क्योंकि हर एक संभाग को यहाँ पर साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से हुई। डायरेक्टर है सुभाष यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष है आदित्य। तो देखिए बड़े चार बड़े नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी उनके साथ देखिए, लेकिन अब कतार लगी हुई है, एक लंबी कतार में आप नजर आ रहे हैं तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर, बड़े दिग्गज जो कि अपने क्षेत्र में कभी अपनी पार्टी का सपोर्ट करते थे, मैदान में उतरते थे, लड़ने की बात करते थे चुनौती की, लेकिन अब देखिए तस्वीरें कुछ और ही कहती हुई नजर आ रही है, तस्वीरें पूरे तरीके से बदल चुकी है, कई बड़े दिग्गज पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और किस तरह से ये ज्वाइनिंग अभियान देखिए आप बीजेपी का, जिस तरह से कहती हुई नजर आ रही थी, और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जब छिंदवाड़ा पहुंचे थे उनकी ओर से कहा जा रहा था कि ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, और देखिए ये सिलसिला कितना आगे बढ़ते जा रहा है, तस्वीरें आप देखिए। आइए राजेश आगाल जी धार से हैं, देखिए धार का ये बड़ा चेहरा,
जो कि अब पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और बड़ी महत्वपूर्ण बात की वो जाती है कि धार में ही अभी राहुल गांधी ने, कांग्रेस के बड़े लीडर ने, अपनी सभा को संबोधित किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी असर उनकी पार्टी पर ही नजर नहीं आया। अब जिस तरह से ये अभियान बीजेपी का मिशन सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है, तो देखिए ये शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव, आज लगता है जैसे कि कुछ अलग ही नजारा प्रशंसा यहाँ पर समझ में आ रहा है। बिल्कुल, और ये खुशी साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मुस्कुराहट बताती है कि बीजेपी किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और कांग्रेस को एक के बाद एक झटके दे रही है। तो बीजेपी कार्यालय से ये सीधी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही है और मिठाई खिलाकर आज का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए साक्षी ये बड़ा दिन और खुशी का दिन भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और जो विपक्ष में है कांग्रेस उसको बड़ा झटका दिया है। और बिल्कुल, और शिवराज सिंह चौहान का चेहरा और मुख्यमंत्री मोहन यादव का चेहरा आज देखते ही बन रहा है, किस तरह से दोनों ही अपनी खुशी जता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, बीजेपी हमेशा से ही एक बात कहती है, अरे यार कैमरा नीचे कर लो ना, पार्टी आज लेगा बैठ जा रहे ना फोटो, खड़े खड़े ही बोलिएगा। अरे लाइक भाई हट जाओ, हमें बोलने दो यार, लाइक, अरे लाइक भाई, अरे लाइक भाई, अरे लाइक भाई बैठ जाओ यार नीचे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कई शख्सियत राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त हो रहा है, आज उसी कड़ी में देश के कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय कैलाश जोशी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता था। कांग्रेस में अगर ये कहा जाए, ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। वो पीएमओ के अंदर दो प्रधानमंत्रियों के साथ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देश के अंदर रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर संभाला है, और जो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे सेवा दल के नाम से कहा जाता है, जिसके कांग्रेस के नियमों कानून के अंतर्गत उनमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वही उसका अध्यक्ष होता है, शायद मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन सुरेश पचौरी जी एक ऐसे नेता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष न रहते हुए भी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के परिवार में, देश के परिवार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं हृदय से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आदरणीय भाई साहब, आपके आने से ये तो परिवार अपना है ही, आपका स्नेह हम सब लोगों को पहले भी मिलता रहा है, क्योंकि आपकी भूमिका भी इस प्रकार की रही है, इसलिए मैं तहे दिल से स्वागत करते हूँ। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आपके आने से और बड़ी ताकत मिलेगी, और वैचारिक दृष्टि से भी, और आपके जो अनुभव और आपने जो काम गवर्नेंस में किया है उन सब चीजों का अनुभव मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज श्री गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी हमारे धार जिले के सांसद रहे, जनजातीय क्षेत्र के बड़े नेता है, आज उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे इंदौर के संजय शुक्ला जी पूर्व विधायक, आज उनका भी बहुत भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से स्वागत है। संजय जी इंतजार बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन आज आदरणीय सुरेश जी भाई साहब के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्वागत है। श्री विशाल पटेल जी हमारे पूर्व विधायक, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूँ। आलोक चंद्र अर्जुन पुलिया जी, एक्स एमएलए हमारे
नर्मदापुर जिले के, वहां के भी बहुत सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं। आज उनका भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। आलोक चंदसौरिया जी, आलोक सत्योरिया जी नेता भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, और जबलपुर के अंदर मैं छात्र राजनीति में लंबे समय तक रहा, तो मुझे छात्र राजनीति में उस समय भी आलोक जी का बड़ा स्नेह भी मिला है, और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। जबलपुर के हमारे वरिष्ठ नेता है, लोकसभा का चुनाव लड़े 1998 के अंदर। आदरणीय कैलाश मिश्रा जी, कांग्रेस के भोपाल के एक्स प्रेसिडेंट, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। श्री सतपाल पलिया जी, अपने नर्मदापुर सुहागपुर के एक्स वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के वहां रहे हैं। श्री योगेश शर्मा चुन्नू भैया जिनको कहते हैं छात्र राजनीति के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आते हैं और छात्र राजनीति में उन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो योगेश भाई का भी बहुत स्वागत है। अतुल शर्मा जी एमपी के एनएसवाई के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका भी आज स्वागत है। दिनेश भोले जी जनपद मेंबर है गाडरबारा के, उनका भी स्वागत है। श्री सुभाष यादव जी वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस दौलतगंज उज्जैन में, उनका भी बहुत स्वागत है। आदित्य फलिया जी, बने सिंह कामरा जी और राजेश आगाड़ जी, सबका आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित है, और नरोत्तम मिश्रा जी इस काम में जुटे हैं पहले दिन से, तो अपने ज्वाइनिंग के वो इंचार्ज है। संजय पाठक जी हमारे को इंचार्ज है, तो आज हम सबका सौभाग्य है कि इतना बड़ी संख्या में और बड़ी शख्सियत आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए ये बात अवश्य कहता हूँ कि जरूर आपको लगेगा कि हम अपने परिवार में सम्मिलित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है, मैं पुनः एक बार सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अरे आप कीमत, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। किस तरह से उन्होंने कहा कि अपने परिवार में अब वापस लौट चुके हैं, ये दिग्गज एक एक करके तमाम दिग्गजों के नाम बताए हैं, जिस तरह से सुरेश पचौरी, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आपको ध्यान में होगा तो वैसे तो हम सबको आहट थी सही, और ध्यान भी आ रहा था कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ वहाँ उनके बच्चे कुछ जो काम करने के तरीके हैं उसका असर आते ही आता है, और अच्छे स्थापित सुचिता के साथ सुस्पष्ट मन की भावना के आधार पर हर दल में अच्छे साफ सुथरे लोग होते हैं, लेकिन साफ सुथरे लोगों को काम करने की अनुकूलता देना नेतृत्व की महत्ता को निर्भर करता है कि उसका नेतृत्व महत्व कैसे देता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे सुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है, और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र को गौरवान्वित इसीलिए होता है, लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। तो मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार, और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है, और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। मैं यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बधाई दूंगा, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है, लगातार हमारे एक के बाद एक संकेत आ रहे हैं, और राहुल गांधी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है, इसलिए मैं तो इस मामले में
बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी दो चार बार और यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस के आपने जो वर्तमान में हालत की है, वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी जी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है, और उनके साथ के सारे गजन सिंह राजू खेड़े जी, विक्रम विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था तो धार से हमारा संबंध आता था, योगेश शर्मा जी, मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे और यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट बने थे, मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैं तब से उनको जानता हूँ और पूरी अपनी यहाँ से वहां तक सारे के सारे मित्रगण, तो हमारे पटेल साहब, विशाल पटेल जी, संजय जी, बहुत किसका नाम छोड़ा, संजय हम तो आए थे, संजय जी आप तो अपने घर के घर में रहे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, माननीय सुरेश जी भाई साहब के निमित्त आना चाहिए, हमारा तो शिवाय नमा विष्णुवे नमा, शिवाय नमा विष्णुवे नमा, ये मंत्र चलते ही रहता है इसी का तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन अभिनंदन, और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा चला रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लेकिन उनके पीछे से उनकी ही पार्टी के हरिओम माइक थोड़ा